बेहतरीन होने की पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी ये कह चुके हैं कि वे किसानों के लिए हमेशा समर्पित रहकर योजनाएं लेकर आएंगे। तो कृषि बजट निश्चित रूप से अलग से लाया गया और एक अच्छा बजट यहां पर लाने की कोशिश की गई। दूसरी ओर जब जादूगर का पिटारा खुला तो कर्मचारियों के लिए जो ऐसी योजनाएं निकल कर आई, पुरानी पेंशन योजना की जैसी कि अभी आपने बात की, वो जो सामने आई है वो इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। हमारे साथ में उदयपुर के कुछ कर्मचारी नेता भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बजट रहा है ये जो मुख्यमंत्री जी ने आज वित्त मंत्री को बजट पेश किया है। इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग और कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ घोषणाएं की गई है। विशेष रूप से जो 1 जनवरी 2004 के बाद कर्मचारी लगे थे वो लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे और आज उन्होंने पुरानी पेंशन की घोषणा कर दी, ये ऐतिहासिक घोषणा है। उसके साथ में शिक्षा विभाग के लिए बहुत कुछ है। जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है 1,200 के लगभग विद्यालय खोलने की घोषणा की है और उसी में 10,000 इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल टीचर को लगाने की भी बात की है। साथ में जो रीट के माध्यम से एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है उसकी जगह 32,000 की जगह 62,000 टीचर भर्ती की बात की गई है बजट में, और साथ में 1,00,000 कर्मचारियों की और भर्ती की बात की गई है। बहुत ऐतिहासिक बजट है, इसको अगर धरातल पर उतारा जाता है। परंतु एक बहुत दुख की बात है, जो अशोक गहलोत जी ने जब इनकी सरकार आई थी तो इनके चुनावी घोषणा पत्र में था कि संविदा पे जितने भी कर्मचारी शिक्षा कर्मी पैरा टीचर है उनको परमानेंट किया जाएगा, परंतु इस बजट में उनके लिए केवल 20% मानदेय बढ़ाया गया है, उनको परमानेंट नहीं किया गया। किसानों के लिए कैसा लगता है आपको? किसानों के लिए एक प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जो गरीब